दोस्तों नमस्कार, मैं जीत अग्रवाल आपका अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि जो पैच, कई बार पैच लगाने के बाद उसकी पट्टी निकल जाती है, उसके बारे में बड़े लोग बहुत परेशान होते हैं। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, उसको हम दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों को ये पता नहीं उसको यूज कैसे किया जाएगा। आज मैं वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा और उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। मीन्स हमने एक पैच को रिपेयर करने के लिए जो चारों साइड की पट्टी उसकी खराब हो जाती है या फिर जो डैमेज हो जाता है, उसके लिए पैच है, विग है, जो भी चीज है, उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो दिखाता हूं वो वर्क कैसे करेगा। देखिए, जैसे ये पैच है, ये कुछ मेरे पास किसी पार्टी का आया था, उन्होंने कहा था सर ये ऐसे ऐसे पैच खराब हो गया, तो इसके बारे में हमने सोचा क्यों ना इसको हम रिपेयर कर दें। क्लाइंट को भी परेशानी होगी, सेंटर वाले को भी परेशानी होगी, तो उसके लिए हमने कोशिश की है एक छोटा सा वीडियो बनाए। बाकी हमने प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो आप देख लीजिए, शायद पसंद आएगा। देखिए, जैसे ये निकल जाता है, इसको हमने क्या करना है, इसके ये तो खराब हो गया, अभी या तो नया पैच बनवाओ या फिर इसको निकाल के फेंक दो। तो बेहतर यह है कि इसको रिपेयरिंग भी की जा सकती है। रिपेयरिंग करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट निकाला है, ये ग्लैमब्यूट का पीयू सॉल्यूशन है, पीयू एडेसिव सॉल्यूशन। इसका होता क्या है, अभी ये देखिए, ये कैप है, कई जगह से ये पैच, इसकी पट्टी ने नेट को छोड़ दिया, लेकिन ये खराब नहीं हुआ। जैसे ये इस जगह से यहां से फटा है, लेकिन पूरी पट्टी निकली नहीं। अगर किसी केस में वो पट्टी निकल जाती है, तो इस कैप से काटने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। चलिए, वो मैं दिखा रहा हूं इसको होगा क्या। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले इसको लगाया था, इसको 7 घंटे लगा के छोड़ना होता है। जैसे ये निकला है, इसको कुछ भी नहीं करना, ये हमारा सॉल्यूशन है ग्लैमब्यूट का पीयू एडेसिव सॉल्यूशन। इसको आपने लेना, खोलना है, और खोल के जैसे ये है, इसको आप इस बेस के ऊपर डाल देंगे, इसको लगाइए और ये इसको आपको चिपकाना है, इसको चिपका दीजिए। ये जहां से भी कटता है सब, देखिए ये तो ये पूरा गायब है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा यहां से कट लगाते हैं, ये कट लगा देंगे ताकि अंदर तक ये हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर पहुंच जाए, ये इसको। तो अभी क्या करना है हमने, हम शुरू करते हैं यहां से स्टार्टिंग। ये इसने जगह छोड़ दी, इसको हमने लगाया, इसको चिपका दीजिए, फिर इस पोर्शन को लीजिए, फिर इसको चिपका दीजिए। ये 1 by 1 करके आपको सारा धीरे धीरे सारा कुछ आपने लगा देना है सारे के ऊपर। ये चिपक गया, यहां लगाया था मैंने, फिर भी और थोड़ा सा और लगा देता हूं, इसको जहां से ये उठ रहा है या तो उसको कट करके फेंक दीजिए या फिर उसको थोड़ा सा पकड़ के रख लीजिए। अच्छा, ये लगा दिया हमने, इसके बाद में आपने क्या करना है, इसको इस हिसाब से लगाइएगा कि ये छूटना नहीं चाहिए, और थोड़ा सा केमिकल इसके ऊपर लगाइएगा, और इसको ये एक लेयर केमिकल की ऊपर से आ जाएगी तो ये अंदर भी पकड़ेगा, ऊपर से भी पकड़ेगा। ये पकड़ लिया, अब इसको आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ये लगाया, इसको आपको 7 घंटे, 6-7 घंटे के लिए आपको इसको छोड़ देना है, ये पकड़ लेगा। अगर आपको चाहिए कि इससे भी ज्यादा आपको मजबूत करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अभी देखिए ये इधर से ये चिपक चुका है सारा, ये पोर्शन बचा हुआ है। तो इसमें कई बार क्या करते हैं लोग,
इसको ऐसे ही चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको आप निकाल दीजिए, इसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये नहीं चिपकेगा उसको भी परेशान करेगा। तो जहां इसमें बबल आ रहे हैं उनको सबको निकालिए, ये मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं, वो बाकी तसल्ली से घर में कर सकते हैं। अभी क्या काम करेंगे, जैसे ये कैप है, ये कैप मैंने बताया था, इस कैप को उसके साइज के हिसाब से आपने काट लेना है। मींस मैं ऐसे ही, ये पैच बिल्कुल डैमेज पैच है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं दिखाने के लिए। ये कैप का पोर्शन हमने काटा, इसके ऊपर आपको ये सॉल्यूशन लगाना है, ये स्किन पे लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लगा सकते हैं। देखिए जहां से मैंने ये कट किया था उसको उसी हिसाब से आप इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, जहां से मर्जी लगाएं इसको लगा दीजिए, ये चिपक जाना चाहिए इससे। और फिर 7 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए इसको, जब ये सूख जाए लगभग 2-2.5 घंटे में ये सूख जाएगा, उसके बाद एक लेयर आपको इसके ऊपर 1, 2, 4 जो जितना है भी आपको चाहिए, लाइट चाहिए वो आप कर सकते हैं, ये लगा दीजिए, यहां भी लगा सकते हैं। ये कैप को कब कट कीजिए, देखिए इसमें कैप ये सिर्फ इसी केमिकल से बना हुआ है जिसकी वजह से आपको यही केमिकल लगाना पड़ेगा, दूसरे केमिकल से लगाएंगे तो काम नहीं होगा। केमिकल हाथ से लग जाए कुछ हो वो स्किन फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं करेगा, ये इसको लगा दीजिए, ये सब चिपक जाएगा। मींस इसको आप रिपेयर कर, देखिए यहां मैंने लगाया था ये सब चिपक चुका है, इसके बाद में भी आप चाहें तो 1-2 लेयर और भी लगा सकते हैं। दूसरा अभी सवाल ये उठता है इसको लगाने कितने दिन के, कितने टाइम के बाद में, आप इसको 3-4 घंटे में ये सूख जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर और डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। कई बार क्या होता है आपका पैच खराब तो नहीं होता लेकिन ये थोड़े थोड़े डॉट आ जाते हैं उसके बीच में, इसमें भी आप यही कर सकते हैं, उसको कट करने की जरूरत नहीं है, इसकी लेयर एक लेयर डाल दीजिए केमिकल की, तो वो अंदर तक केमिकल अंदर घुसेगा और इसको पकड़ लेगा, मीन्स दोबारा से उसकी स्ट्रेंथ पूरी मजबूत हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने लगा दिया, जहां से छूट रहा है वो सब पकड़ लेगा ये, और कहीं अगर गैप है तो गैप के अंदर, जैसे ये गैप है देखिए, ये काट के वेस्ट फेंकना पड़ता है इसको, इसको या तो काट के दूसरा कैप लगा दीजिए या फिर इसको ही चिपका दीजिए, ये चिपक जाएगा और 6-7 घंटे के बाद में ये कंप्लीट लगाने के लिए हो जाएगा। अगर और कोई इंक्वायरी चाहिए किसी को तो उसके लिए मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी को मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। और भी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे अभी हम अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत सारे लोगों का है कि बाल सिल्की नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, उसके लिए हमारा शैम्पू है, कंडीशनर है, हमने सॉफ्टनर भी निकाले हैं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आज हमारा मोटो था, सिर्फ हमें लोगों का कंप्लेन था कि पैच जो ये पट्टी कट जाती है उसको रिपेयर करने के लिए क्या, अच्छा जब ये सूख जाएगा, देखिए ये जैसे एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इसको बाद में कट कर दीजिए, ये कट हो जाएगा। जो भी है जहां भी है वो, मैं ये सिर्फ वीडियो बनाने से उतना नहीं है, आप तसल्ली से काम करेंगे फर्स्ट क्लास हो जाएगा, ये सब चिपक जाएगा, सारा सेट हो जाएगा। और कोशिश कीजिए, और कोई किसी का कोई डाउट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको तसल्ली से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल पाऊंगा।